स्वागत है आज के इस वीडियो में। देख रहे हैं पार्ट टू है आपका साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई वस्तु, ठीक है ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा क्या होगा, तब अंतिम विस्थापन क्या होगा, अनंत होगा, शून्य होगा, गणना संभव नहीं है, चली गई दूरी के बराबर। ठीक है, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका विस्थापन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है, पदार्थ के वेग, ध्यान देंगे बोल रहा है पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, संवेग और वेग की जो उसकी भौतिक अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है ना, तो उससे कौन सा होती है, उससे द्रव्यमान होती है। ठीक है, संवेग और वेग का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर फोर है, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था, ठीक है किसका आधार बना था, तो इथर परिकल्पना के पतन का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। आते क्वेश्चन नंबर फाइव में, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, किसकी सबसे अधिक होती है, प्लूटोनियम, हीलियम, नाइट्रोजन और पोलिनियम, तो किसका होता है, पोलिनियम का होता है, आंसर आपका डी हो गया। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, तो कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, ओके आंसर ए होगा। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, टार्सल, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, उपयोग में से कोई नहीं, तो कलाई की जो हड्डी होती है उसे कार्पल्स कहते हैं, ओके इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्पल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए, आपसे ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा रहा है सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो सत्य का ध्यान करेंगे, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन सी एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन डी उपयोग सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, सारे कथन आपके सत्य हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, ठीक है 1991, 1971, 1956, 1954, तो कब की गई, तो 1971 में, इसका आंसर ए हो जाएगा। इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होता है, मधुमेह, ठीक है इंसुलिन के लिए आपका मधुमेह, हाइपोग्लाइसिमिया और मेनिनजाइट्स और यकृत सिरोसिस, ठीक है तो कौन सी होती है इंसुलिन के, ओके कौन सा होता है जी, मधुमेह, तो इसका आपका कौन सा आंसर, मधुमेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है, सिक्रेटिन, ग्रिस्ट्रिन, मोटिलिन और यह सभी, ठीक है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सिक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 12, लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, अग्नाशय में होती है, इसका आंसर सी होगा। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है तो इक्थियोलॉजी में करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं, आंसर डी होगा। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं, किन लक्षणों से मिलते हैं, ये कहते हैं दिन रात क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है तो लिनियस ने किया था, ओके लिनियस ने किया था, जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सी है, ठीक है तो सब्जी और फल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है तो कौन सा आपका सही नहीं है, तो इसमें आपका जो सही नहीं है आपका डी है, ये आपका क्या सही नहीं है, ठीक है तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गोल क्रीम में होने वाला रोग, गोल क्रीम से होने वाला रोग जो है कौन सा है,
फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, इंसेफलाइटिस और फ्लोरोसिस। तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एथिलीन, आंसर बी। मोनेरा जगत का सदस्य है कौन है? बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा और केचुआ। तो आपका कौन सा है? बैक्टीरिया, आंसर ए। जीवाणु कोशिका में नहीं होती है, क्या नहीं होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, आंसर से। दलहनी पौधों के जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो हाइड्रोजन स्थिरीकरण काम करता है। ठीक है, तो आपका आ जाए कौन सा? राइजोबियम, ओके, आंसर आपका सी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे, आपसे पूछ रहा असत्य है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असत्य है? आपका आंसर बी होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, तो दाब। ठीक है, इसका आंसर होगा दाब। ठीक है, 25 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? ठीक है, तो अनाबीना, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।